नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस गुण गुण गुण। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले सन रोक सेवा आयोग योग की यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे तो दोस्तों सबसे तो पहले आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन दिखा देते हैं उसके बाद हम सीधा फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप भर के जो है दिखाने वाले वो देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है कोई जो है सिविल सर्विसेज की बात करें तो एक पद पर जो भर्ती होनी है और उसमें जो है डेढ़ सौ पद पर भर्ती होनी है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं कुछ प्रमुख चीजें आप देख सकते हैं जैसे आवेदन चौदह फरवरी से लेकर पांच मार्च तक है परीक्षा जो है इसकी मई दो में है उम्र की बात इक्कीस से बत्तीस साल के लोग जो है इसके आवेदन कर सकते हैं नेशनल डिग्री हाउस आई एफ एस के एम सीधा चलते हैं अपलाई ऑनलाइन पर जैसे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे बका तो यूपीएससी का कोई भी अगर आपको आवेदन करना है तो उसके लिए ओ टीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूरी हो चुका है अगर आपने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो या न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन्होंने भी इससे पहले यूपीएससी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओ टी आर कर दिया है या इससे पहले कोई और यूपीएससी का फॉर्म भरा उस लॉग इन कर सकते हैं लॉग इन करने के लिए आप जो अपना ई मेल आई डी मोबाइल नंबर या जो फिर आई डी का इस्तेमाल कर सकते हैं साथ ही साथ पासवर्ड का तो दोस्तों मेरे पास पहले से जो है रजिस्ट्रेशन किया हुआ है हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको जो फोटो सिग्नेचर जो है ऑनलाइन सेट करना भी बताएंगे तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की जरूरत नहीं है तो चलिए लॉग इन करते हैं जैसे आप लॉग इन करेंगे तो देख सकते हैं इस तरीके तो का डैसबोर्ड खुलेगा जिसमें जो आप हो है आपको जो है सारी जानकारी यहाँ पे दिख जाएगी अगर आपको खुद भी प्रोफाइल में अपडेट करना है तो यहाँ से आप अपडेट प्रोफाइल कर सकते हैं आवेदन करने के लिए आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाला जो बटन दिख रहा है आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं जैसे आप जो नोटिफिकेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं है, जैसे हमारे में आ रहा है क्योंकि पुराना प्रोफाइल है तो, तो यार को को, करने को आ और यहाँ पे आ यार पार्ट वन आपको पार्ट वन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है अगर आपको प्रोफाइल में अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं तो सीधा पार्ट वन रजिस्ट्रेशन भाग एक पंजीकरण पे क्लिक करना है तो सीधे क्लिक करते हैं जैसे क्लिक करेंगे कुछ शॉर्टन आएंगे उसको आपको फॉलो करते हुए नीचे आना है हाँ पे आप यस का बटन है आपको क्लिक करना है क्लिक मान आपकी जो बेसिक डिटेल्स हाँ आप है आपकी कैटेगरी क्या है बता जो भी कैटेगरी ओ बी सी एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं उनको अपना जो सर्टिफिकेट है उस पर जो है, वो जो है आपको यानी सर्टिफिकेट का जो नंबर है ओ बी सी का वो डालना पड़ेगा और सर्टिफिकेट आपका कब जो है जारी हुआ है वो भी आपको लिखना पड़ेगा लेकिन अगर आप जनता से बिलोंग करते तो आपको कुछ भी जो फेल नहीं करना पड़ेगा एजुकेशन बोर्ड एजुकेशन की बात करें तो पास और अपेयरिंग दोनों ही लोग इसमें जो आवेदन कर सकते हैं जैसे आप यहाँ बता देंगे यहाँ पे पूछ सक आपकी जो डिग्री है वो क्या है आपकी क्वालिफिकेशन क्या अगर आपको इसमें सब्जेक्ट जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है नहीं है तो यहाँ पे अदर सब्जेक्ट पे क्लिक कर सकते तो अगर आपका सब्जेक्ट मैच कर रहा है यहाँ पे तो आप उस पर सकते हैं अब जैसे मैंने जो है बीकॉम पर रखा है तो यहाँ पे बीकॉम से कब कोई भी सब्जेक्ट जो मुझे नहीं दिख रहा है हालांकि इकनॉमिक है मेरे में नहीं था तो मैं यहाँ पे अदर अदरवाइज ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा जैसे अदर पर करूंगा तो मैं सिर्फ जो सिविल सर्विस के लिए वो आ जाएगा लेकिन अगर आप आज फर्स्ट फेर बता दें तो उसके लिए योग्यता है जूलॉजी है मैथ है ये सब करेंगे तो अपने आप दोनों ऑप्शन खोज के आ जाएगा मात्र तैयार हैं की तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है बता दू ये एक सैंपल एड्रेस है जो मैं डाल रहा हूँ ये एड्रेस मेरा नहीं है केवल आपको समझाने के लिए जो एड्रेस को जो भरना वो है भरवाऊंगल है यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट डाल देना है जिस भी आप जिले से बिलोंग करते हो डाल दीजिए स्टेट डाल दीजिए पिन कोड डाल दीजिए पिन कोड डालने वाले आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछा एज रिलेशन क्या आपको उम्र में छूट चेयर कीजिए नहीं तो नौकर के कंटिन्यू वाले बटन पे प्रेस कीजिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको आई डी प्रूफ डाली है आई डी प्रूफ में आधार कार्ड है डी एन है पैन कार्ड है पासपोर्ट वोटर आई डी इसमें से किसी भी चीज का जो जानकारी दे सकते हैं यहाँ पे पूछ रहा है जैसे आप आधार कार्ड सेट करते हैं तो फिर आप पूछ रहे हैं कि आपके पास आधार कार्ड है तो बिल्कुल यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में ये करेंगे यहाँ पे आपको आई डी प्रूफ देनी है आई डी प्रूफ में आपको ये आधार कार्ड जो आपने सेव सीधा नंबर देना है दोबारा इस नंबर को जो है आपको लिखना है साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो आधार कार्ड ये नंबर लिख रहे हैं उसको जो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड भी करना है इस पर यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का परसेंटेज डालना है ग्रेजुएशन में आपका जो है कितना परसेंटेज था पूजा इससे पहले है, आप सिविल सर्विस बार, दे बार देने तो आपको जीरो कर देना दे तो संख्या में दिया है उसको आप फिर आउट कर सकते हैं आगे बढ़ी ने आप पूछा ये रोकबड़ सेंटर भी आपका प्री का नहीं पूछे का, का आपको सेंटर तो जाइए का सेंटर मैंने ले लिया है साथ ही साथ जो लैंग्वेज है वो मैंने पेपर एक से हिंदी ले रही है छह से आठ का सब्जेक्ट पूछा तो मैंने यहाँ पे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ले लिया है और यहाँ पे भी मैंने जो है छह से आठ वाले छह से सात वाले भी जो है मैंने हिंदी सिलेक्ट की है ये आपकी इच्छा है आप जो है इस हिसाब से जो सिलेक्ट करना चाहते हैं आपका जो सब्जेक्ट है आपका जो सेंटर जो नील पड़े हुआ आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पूछा है लैंग्वेज हिंदी को सिलेक्ट किया है आगे बढ़ते कंटिन्यू पे पे करते हैं जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे पूरा फॉर्म का फॉर्म्यू खुलकर आ जाएगा आपको इसको अच्छे तरीके से चेक करना है चेक करने में खुद भी दर्द लगता है तो आप और सुधार कर सकते हैं सब कुछ सही है तो यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है आई एन यू पे क्लिक करना है लेकिन ध्यान रहा है आई एन यू पे क्लिक करने पर खुद भी वाउंड नहीं होगा तो मेरा सब कुछ सही है मैं जो है यहाँ पे कैप्चा जो आ रहा है इस कैप्चा को एज इट ए फिल आउट करता हूँ और आई एन यू पे क्लिक करके अगले स्टेप पे आगे बढ़ता हूँ तो चलिए आई एन यू पे क्लिक करते हैं जैसे हमने आई है रिपीट की आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है रजिस्ट्रेशन आई डी आ चुकी है लेकिन फॉर्म भी अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट वन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहा है अभी आपका फॉर्म इनकम्प्लीट भी मनाया जाएगा तो बता दें जो भी एस सी एस टी और महिला और यहाँ से सीधे उनको जो है फोटो अपलोड करना पड़ेगा लेकिन जो जनरल जनल ओबीसीडिडेट है उसको उनके बाद जो है यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा उसके बाद भी जो है फॉर्म का जो स्ट आगे बढ़ेगा तो वापस हम ठीक करते हैं डैशबोर्ड पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर तो जब हम यहाँ पे तो आपने यहाँ दे पे दे देख सकते फीस का जो ऑप्शन ले है लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अंदर पे एग्जामिनेशन फीस का ऑप्शन जो मिल चुका है यहाँ पे हम फीस पेमेंट करेंगे फोटो से अपलोड करेंगे और यहाँ पे जो आपका कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अदर बैंक नेट बैंकिंग से कर सकते हैं कार्ड से कर सकते है दे यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं बहरहाल मैं इसका पेमेंट जो है अपने नेट बैंकिंग से करता हूँ या आपकी इच्छा है आपके थ्रू करना चाहते और बता दे अपना जो डिटेल्स है कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा जैसी पेमेंट जैसे पेमेंट हमारा डन हुआ यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस आपका आ जाएगा सक्सेस हुआ कि नहीं अब आपको कंटिन्यू वे बटन पे क्लिक करना है और फोटो सिग्नेचर अपलोड करनी है और आपको जो है लगता है कुछ भी की यहाँ पे रियम को रुकना है करना तो आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जाके दोबारा इस से बढ़ा सकते हैं तो हम आपके साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे और आप देख सकते हैं हमारा फीस पेमेंट अपलोड हो चुका है अब यानी दो ऑप्शन बचा हुआ है एक बचाया फोटो सिग्नेचर और एक बचाया सेंटर का सेंटर में भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रहती है वो भी मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले फोटो सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे चलते हैं आपको बता दें इसमें जो फोटो अपलोड होनी है फोटो दस दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए फोटो पे आपका नाम और फोटो खिंचवाने की डेट मेंशन होनी चाहिए फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए फोटो पे चेहरा आपका बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए बिल्कुल भी ब्लर्ड नहीं होना चाहिए चलिए दोस्तों आपको बताते हैं फोटो पे जो है आप अपना नाम और डेट कैसे लिख सकते हैं है ऑनलाइन जी हाँ दोस्तों अगर आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं और आपकी नई फोटो है लेकिन उस पर फोटो पे नाम और डेट नहीं लिखा तो कैसे उसको लिख सकते हो तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट खोलिए सरकारी रिजल्ट टूर्स जी हाँ दोस्तों

इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर अपलोड का ऑप्शन है यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे मैं थोड़ा मारकर ले लेता हूँ अपलोड करने के बाद फोटो आपके यहाँ पे भी हो जाएगी फोटो सिग्नेचर जो भी करना है इस कस्टम साइज पर जाना है यूपीएससी फोटो है फोटो पे क्लिक करके रिसाइज करके डाउनलोड कर लेना तो अगर आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो सिग्नेचर पे क्लिक करना है यूपीएससी सिग्नेचर रिसाइज करना है और डाउनलोड करके लगा देना है बहुत ही आसानी से लग जाएगा वापिस फॉर्म पर तो फोटो सिग्नेचर हमारा लग चुका है हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड जिनको भी देखते हैं यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर का सिलेक्शन करना है आप उस करना है

हो चुका है यहाँ पे आप जो एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके अपने फॉर्म का स्टेटस भी सकते हैं यहाँ से अपने फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में वीडियो कैसी जरूर बताइएगा फिर मिलेंगे इजाजत दीजिए नमस्कार धन्यवाद